और खबरों के लिए TV1 इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलें। सिद्धार्थ बिल्डर के खिलाफ मजदूरों का अनशन, खारघर में 25 लाख बकाया पाने, 3 दिनों से चल रहा आंदोलन। खारघर के सिद्धार्थ बिल्डर्स और डेवलपर के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए दर्जनों मजदूरों ने अनशन शुरू कर दिया है। मजदूर अपने 25 लाख बकाया मजदूरी देने की मांग कर रहे हैं। लगातार 3 दिनों से धरना दे रहे प्रदीप गुप्ता ने कहा कि 2 सालों से सिद्धार्थ बिल्डर उनके मजदूरों की कमाई देने को तैयार नहीं है। इसके खिलाफ खारघर पुलिस स्टेशन और लेबर कमिश्नर के पास भी शिकायत की गई है, लेकिन कोई भी न्याय दिलाने को तैयार नहीं है। प्रदीप गुप्ता ने कहा कि पैसे नहीं मिलने से मजदूरों के घर की हालत बेहद खराब हो गई है। उन्होंने कहा कि यदि न्याय नहीं मिला तो वे अनशन से नहीं उठेंगे। मैं बिल्डर के खिलाफ और सिद्धार्थ बिल्डर के खिलाफ मैं अनशन पे बैठा हूँ। मेरा लेबर लोग का कल हक का पैसे के लिए मैं बैठा हूँ। वो मेरा पैसा चाहिए। मैं 2 साल से पैसे के लिए निकल रहा है और लेबर लोग बहुत तकलीफ में है। ये भी बच्चे सब भटक रहे हैं, स्कूल में ढंग से बच्चे लोग नहीं जा पा रहा है। म्यूनसिपाली में सब पढ़ाई कर रहा है, प्राइवेट से निकाल निकाल कर सब म्यूनसिपाली में डाल के रखा है। मेरा 25 लाख के लमसम बाकी है और ये मैंने कम से कम 2-2.5 साल से उसको पीछे पड़ा हूँ। काम खत्म हो गया, सर पैसा दो, सर पैसा दो, उसमें आश्वासन देते गया, हाँ देता हूँ, हाँ देता हूँ, देता हूँ। लास्ट में जो है ना 20,000 का चेक बना फुल एंड फाइनल लिखवा रहा था मेरे से, तो मैं उसी पर डाउट हो गया। मैं बोला कि लेबर लोग को, भाई बाबू मैं कहाँ से पैसा दूँ, मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। मैं लोकल पुलिस चौकी में कंप्लेन किया है, मैं खुद का कमिश्नर ऑफिस बेलापुर, लेबर लोग यूनियन वाला के पास गया है, उधर से यूनियन वाला भी मेरे को दबा रहा है, लेबर भी दबा रहा है, बिल्डर सुनने को तैयार नहीं है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रहा, हमको कुछ अभी तक नहीं मिला है कार्रवाई। मेरे पास अभी 11 लेबर का जो है मामला अटका हुआ है और मैं सिद्धार्थ बिल्डर से डिमांड कर रहा हूँ कि मेरा पैसा मिल जावे ताकि मैं लेबर लोग को दे दूँ। बहुत तकलीफ में है, जब तक नहीं मिलेगा तब तक मैं यहाँ से उठूंगा नहीं। अनशन पर बैठे मजदूरों की माने तो बिल्डर ने कभी भी उनका पूरा भुगतान नहीं किया, जिसके वजह से ही आज उनके सामने रोजी रोटी का संकट और भारी आर्थिक तंगी आ गई है। हालांकि इन आरोपों पर सिद्धार्थ बिल्डर का कोई भी प्रतिनिधि बोलने को तैयार नहीं हुआ। फिलहाल मजदूरों को न्याय दिलाने भारतीय रिपब्लिकन पक्ष समेत कई संस्थाएं आगे आ गई हैं। समाजसेवी राजेश श्रीवास्तव ने कहा कि सिद्धार्थ बिल्डर को मजदूरों का पैसा नहीं रोकना चाहिए, हम मजदूरों के साथ हैं और उन्हें न्याय दिला कर रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया।